एफसीसी यूनिट सेल में मुझे यह समझना है कि वर्टाइसस पर जो लैटिस पॉइंट है उस जगह पर रखा हुआ पार्टिकल वह कितने दूसरे पार्टिकल से टच करता है। देखिए मैं वंस अगेन एफसीसी यूनिट सेल का को ड्रॉ करता हूं। दिस इज एफसीसी यूनिट सेल। अब इसमें सिर्फ मैं रेलेवेंट लैटिस पॉइंट ड्रॉ करता हूं, मुझे वर्टाइसेस पर रखा हुआ इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर समझना है कि यह कितने दूसरे पार्टिकल से टच कर रहा है। देखिए यह एक फ्रंट फेस है, इस फ्रंट फेस के फेस सेंटर से यह टच कर रहा है। ये बोर्ड का जो प्लेन है इस प्लेन पर इस फेस से टच कर रहा है, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। मगर इसके पास में इधर भी एक यूनिट सेल होगा, इसके नीचे इधर भी इस तरह से दो यूनिट सेल होंगे, इस तरह से वहां पर चार फेसेस इसी प्लेन पर बने हुए दिखाई देंगे और इन चारों प्लेन के फेस सेंटर से इसे टच करना चाहिए। यू कैन से एक्स वाई प्लेन, द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसी तरह से यह पार्टिकल बोर्ड के अंदर जाता हुआ ऐसा एक प्लेन है, ऐसा एक फेस है, इसके फेस सेंटर से टच कर रहा है। वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में यह फेस है। इसी तरह से एक फेस बोर्ड के बाहर निकलता हुआ भी होगा, नीचे की तरफ भी इसी तरह से एक फेस होगा और इसके पीछे इधर भी इस तरह से बोर्ड के बाहर परपेंडिकुलर टू बोर्ड लाइक दिस, इस तरह से चार फेस सेंटर इधर भी होंगे, इनसे भी टच करेगा। एक और प्लेन है बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस तरह से प्लेन एक्स जेड प्लेन, इस एक्स जेड प्लेन पर यह फेस है, इसके फेस सेंटर से भी यह टच कर रहा है, इसके फेस सेंटर से भी यह टच कर रहा है। और इसी तरह से चार फेसेस और होंगे इसके आसपास लाइक दिस, लाइक दिस चार फेसेस, और इधर भी चार फेस सेंटर्स पर यह टच करेगा। आई वुड से दिस पार्टिकल वुड टच फोर पार्टिकल ऑन एक्स वाई प्लेन, फोर ऑन वाई जेड प्लेन एंड फोर ऑन जेड एक्स प्लेन। इस तरह से वर्टाइसेस के इस पार्टिकल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। वी मीन टू से एफसीसी में किसी भी पार्टिकल की बात करें, चाहे वहां फेस सेंटर वाला पार्टिकल हो, चाहे वहां वर्टाइसेस वाला पार्टिकल हो, कोऑर्डिनेशन नंबर वुड ऑलवेज रिमेन 12। हम इस बात को ऐसे भी अब कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे भी समराइज कर सकते हैं, यदि किसी भी जगह पर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिख रहा है तो वहां एफसीसी यूनिट सेल है, वहां मैक्स एफिशिएंट यूनिट सेल है जिसका एफिशिएंसी 74% दिखेगी, उसमें वॉइड 26% दिखेगी और उसमें नियरेस्ट नेबर के बीच में दूरी a बाय रूट 2 दिखेगी।
किसी भी जगह पर यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, दिस कोऑर्डिनेशन सजेस्ट अस द मैक्स एफिशिएंट अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट हैविंग मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन. एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट यू वुड ऑलवेज ऑब्जर्व इन प्योर मेटल्स, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर, प्योर एल्यूमिनियम, प्योर कॉपर. इस तरह के मेटल्स में जहां सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, एक दूसरे के करीब आकर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में वह अपने बीच में मिनिमम वॉइड रखेंगे, मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन रखेंगे, वहां हमेशा एफसीसी यूनिट सेल बनाएंगे. माय नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब एक बार जरा नोट्स को ध्यान से देख लो, दो मिनट के लिए सारे यूनिट सेल के बारे में एक बार ध्यान से देख लो. मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है वह सब कंपैरेटिव तरीके से पढ़ाया है, मगर यदि आपने नोट्स को सही तरीके से बनाया है तो एक कॉम्प्रेहेंसिव तरीके से बन चुके हैं. सिंपल क्यूबिक के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन सिंपल क्यूबिक के पेज पर दिखेगी, बीसीसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको बीसीसी के पेज पर दिखेगी, और एफसीसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको एफसीसी के पेज पर दिखेगी. एक और बात, ये सारी चीजें समझने के बाद रटना कंपलसरी है. एग्जामिनेशन में जब यह चीजें आ जाए तो उस समय हमको कैलकुलेट करने में समय नहीं लगे, उस समय हम समय नहीं बिगाड़ते. हमें दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए कि बीसीसी की एफिशिएंसी 68%, बीसीसी के लिए एज लेंथ वो आगरा रूट थी, बीसीसी के लिए परसेंटेज वही 32%, एफसीसी पर मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, एफसीसी के लिए एज लेंथ 2√2 आ, नंबर ऑफ पार्टिकल 4, एफिशिएंसी, परसेंटेज वॉइड, नियरेस्ट नेबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारी चीजें हमें रटी हुई होनी चाहिए. किस तरह से आगे ये इस्तेमाल होगी, हम जब स्टडी पैकेज करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे तो प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से हमें इन्हें अप्लाई करना होता है. माय नेक्स्ट आर्टिकल इज डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. हाँ हाँ, ठीक है, मैं एक और बार समझाता हूं. एफसीसी में वर्टाइसेस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12, यही एक और बार समझना चाहते हो ना, एफसीसी में वर्टाइसेस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12, यही चीज मैं दोबारा समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना. क्या आपको फेस सेंटर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 समझ में आ गया है? आर यू श्योर? देखिए, सबसे पहले मैं दोबारा एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों ना फेस सेंटर से ही दोबारा स्टार्ट करता हूं, फिर एक और वर्टाइसेस के लिए एक और बात समझाऊंगा. देखिए, हमने इसके लिए नियरेस्ट नेबर की दूरी वो सबसे पहले कैलकुलेट कर दी, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर √2/2 और √2/2 और हम यह बात समझ चुके हैं कि जो भी पार्टिकल √2 की दूरी पर होते हैं वह एक दूसरे को टच करेंगे, वह नियरेस्ट नेबर होंगे, वह कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होंगे. और हमने इसी प्लेन पर चार पार्टिकल को √2 की दूरी पर देख लिया और हमने इस फेस सेंटर के पार्टिकल को इस फेस सेंटर के पार्टिकल से भी √2 की दूरी पर देखा और इस तरह से नीचे के चारों पार्टिकल हमें √2 की दूरी पर देखे और इसलिए हमने उनको कहा कि वह नियरेस्ट नेबर है, वह टचेंगे, वह कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होने चाहिए. और यदि नीचे के चार पार्टिकल दिख गए तो आपको दिमाग में यह इमेजिन हो जाना चाहिए कि इसी तरह से चार पार्टिकल ऊपर भी होंगे, तो चार पार्टिकल इसी प्लेन पर, चार पार्टिकल नीचे, चार पार्टिकल ऊपर. सिमिट्री प्रिंसिपल को समझना जरूरी होगा, सिमिट्री प्रिंसिपल को दिमाग में इमेजिन करना भी जरूरी होगा और उससे आपने कह दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 12. अब इसी सिमिट्री प्रिंसिपल को मैं इस पार्टिकल के लिए दोबारा समझाता हूं. हम दोबारा इस फिगर को ड्रॉ करते हैं, फिर एक एफसीसी यूनिट सेल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक
क्यूब ड्रॉ करूंगा, अब क्यों ना मैं तीन अलग अलग कलर से तीन अलग अलग प्लेन दिखाता हूं, तीन अलग अलग कलर इस्तेमाल कर लूंगा चौक के। यहां वर्टिसेस का एक पार्टिकल है, अब क्यूब के इस प्लेन फेस को देखिए, क्यूब के इस प्लेन फेस को देखिए, यहां बोर्ड के प्लेन पर है, इस प्लेन फेस का फेस सेंटर पर रखा हुआ यह पार्टिकल, इससे इस पार्टिकल की दूरी a बाय रूट टू होगी, यह इस फेस के सेंटर पर रखा हुआ पार्टिकल है। वर्टिसेस का पार्टिकल फेस सेंटर के पार्टिकल से a बाय रूट टू की दूरी पर होता है, नियरेस्ट नेबर होता है। मगर इसी तरह से एक एफसीसी यूनिट सेल, एक क्यूब, एक डब्बा इसके ठीक पैरेलल साइड में रखा हुआ होगा और उसका भी एक प्लेन फेस इसी तरह से होगा और उसके भी फेस सेंटर पर एक पार्टिकल होगा। इसी तरह से एक क्यूब नीचे भी रखा हुआ होगा, उसका एक प्लेन फेस इस तरह से होगा और एक क्यूब इधर रखा हुआ होगा, क्या आप इस प्लेन पर जो बोर्ड का प्लेन है इस प्लेन पर वर्टिसेस पर इस पार्टिकल को इन चारों फेस सेंटर से टच करता हुआ इमेजिन कर सकते हैं? यह चारों पार्टिकल से यह टच करेगा इन द सिमिलर मैनर, बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे अंदर जाती हुई एक वॉल, अंदर की तरफ जाता हुआ एक फेस और उस फेस पर उस फेस के सेंटर का यह पार्टिकल, फेस के सेंटर का यह पार्टिकल इससे टच करेगा। मगर इसी तरह से आगे भी एक क्यूब रखा हुआ होगा और आगे जो क्यूब रखा हुआ है, मैं अभी इस समय इस वॉल की बात कर रहा हूं, इसी प्लेन पर यह जो प्लेन बना है इसी के आगे की तरफ इस तरह से बोर्ड के बाहर निकलते हुए इधर एक प्लेन फेस बनेगा और इसी तरह से नीचे की तरफ इस तरह से चार फेस सेंटर इधर बन जाएंगे, यह पार्टिकल इन चारों फेस सेंटर से a बाय रूट टू की दूरी पर होगा। क्या आप देख पा रहे हैं? माइक फिर वापस लीजिए।
देख पा रहे हैं क्या देख पा रहे हो यस सर आर यू श्योर यस सर क्या बोर्ड के पैनल बोर्ड पर प्लेन देख पाए उस प्लेन पर चार फेस सेंटर देख पाए यस सर बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से प्लेन और उस प्लेन पर चार फेस सेंटर देख पाए यस सर क्या उन चारों फेस सेंटर के पार्टिकल को इससे टच होता हुआ इमेजिन हो गया वह चारों ए बाय रूट टू की दूरी पर समझ में आ गए क्या अब आप बता सकोगे इसके बाद अगला प्लेन कौन सा बनाओ नीचे वाले क्यूब के बेस की तरफ नीचे वाले क्यूब के बेस की तरफ यूएल से परपेंडिकुलर टू बोर्ड बट हॉरिजॉन्टल इज दैट सही इज दैट करेक्ट यस सर परपेंडिकुलर टू बोर्ड बट हॉरिजॉन्टल लाइक दिस यह एक प्लेन होगा यह एक प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू बोर्ड बट हॉरिजॉन्टल लाइक दिस यह परपेंडिकुलर टू बोर्ड था वर्टिकल था और यह परपेंडिकुलर टू बोर्ड हॉरिजॉन्टल इसके सेंटर पर जो एक पार्टिकल है वह भी ए बार रूट टू की दूरी पर है अब इस तरह के भी चार फेसेस बनेंगे चार फेस सेंटर बोर्ड के बाहर की तरफ निकलता हुआ एक और इस तरफ दो और Let me draw in this manner. इस तरह से और इन चारों फेस सेंटर पर भी इन चार पार्टिकल से टच करेगा डिस्टेंस वुड बी ए बाय रूट टू हेंस यह पार्टिकल भी 12 पार्टिकल से टच करता हुआ दिखता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द वर्टाइसेस इज आल्सो 12 हम चाहे फेस सेंटर पार्टिकल की बात करें हम चाहे वर्टाइसेस के पार्टिकल की बात करें दोनों ही पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है इज दैट परफेक्टली क्लियर चले प्रोसीड The next article is density of crystalline solids. A very important expression. You will find lot of numerical problems over this article. देखिए अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव गॉट एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू ए ग्राम्स पर मोल यदि हम किसी एटम किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक वेट शब्द का इस्तेमाल करेंगे व्हाइल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम कंपाउंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स मॉलिक्यूलर वेट इफ इट्स ए ग्राम पर मोल्स वी ऑलवेज नो एक मोल सब्सटेंस यदि लिया जाए तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं Avogadro's number is n particles per mole. एक मोल में n particles होते हैं. Now, based on this, if I ask you what would be the weight of each particle or each molecule और ईच एटम यदि मैं एक यदि एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो वेट ऑफ एटम पूछूंगा यदि मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल पूछूंगा और इन दोनों कोई मॉलिक्यूलर एटम को मैं पार्टिकल बोलता हूं हर बार
वेट ऑफ ईच पार्टिकल और मास ऑफ ईच पार्टिकल, मास ऑफ ईच पार्टिकल ग्राम्स पर मोल, ए ग्राम्स इज द मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल. सो मास ऑफ ईच पार्टिकल वुड बी ए बाय एन ग्राम पर पार्टिकल. ए बाय एन ग्राम पर पार्टिकल, ए इज एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, एन इज एवोगैड्रोस नंबर. एक एक पार्टिकल, वो पार्टिकल या एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा, एक एक पार्टिकल का मास होगा ए बाय एन. अब हमें पता है यूनिट सेल कौन सा है, उस यूनिट सेल में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी पता है. नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल, वहां क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक यूनिट सेल बनाता है. नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल इज एन पार्टिकल पर यूनिट सेल. इन सिंपल क्यूबिक वी सी दैट वी हैव गॉट वन पार्टिकल इन अ यूनिट सेल. इन बीसीसी वी यूज टू से वी हैव गॉट टू पार्टिकल इन अ यूनिट सेल. इन एफसीसी वी यूज टू से वी हैव गॉट फोर पार्टिकल इन अ यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक के लिए एन की वैल्यू वन ले ली जानी चाहिए, बीसीसी के लिए एन की वैल्यू टू ले ली जानी चाहिए, एफसीसी के लिए एन की वैल्यू फोर ले ली जानी चाहिए. अब यदि मैं पूछूं व्हाट इज मास ऑफ अ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, दिस इज मास ऑफ ईच पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास ए बाय एन है, एंड दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल. We'll say mass of each particle in a unit cell, mass of each particle into number of particle in a unit cell must be mass of unit cell. एक unit cell का mass होना चाहिए n a by n grams per unit cell. This is mass of unit cell. अब यूनिट सेल, जैसा मैंने कहा है कि हम जनरली क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल ही है. एक क्यूब की एज लेंथ ए है. इफ एज लेंथ ऑफ क्यूब इज ए, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. इफ एज लेंथ ऑफ unit cell is A, then volume of unit cell must be a cube. Density is mass upon volume. Mass of unit cell upon volume of unit cell would be the density of unit cell. Density of unit cell is mass of unit cell upon volume of unit cell. Remember, a unit cell represent complete crystalline solid. यह जो unit cell है वह पूरे crystalline solid को represent कर रहा है. यह जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आई है, द सेम वुड बी द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह जो यूनिट सेल की डेंसिटी है, यही डेंसिटी क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी होगी. इट्स अ वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन. किस तरह से यह यूजफुल है मैं समझाता हूं. सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करते समय यूनिट्स का खास ध्यान रखना. यूनिट्स के मामले में बहुत गड़बड़ी हो जाती है. ध्यान रहे 1 ग्राम पर सीसी
1 gram per centimeter cube is 1000 kg per meter cube. एज लेंथ पिकोमीटर्स में दी हुई हो, एज लेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में दी हुई हो या एज लेंथ नैनोमीटर्स में दी हुई हो, हमें उस एज लेंथ को सेंटीमीटर्स में लिखना चाहिए। हम एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जनरली ग्राम्स में लिखते हैं। ऐसा ही सिस्टम में काम करना है तो इसको केजी में लिखो और एज लेंथ को भी मीटर्स में लिखो। इन दैट केस आपकी जो डेंसिटी आएगी वो केजी पर मीटर क्यूब में आएगी। और यदि आप सीजीएस सिस्टम में काम करना चाहते हैं तो एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट जैसा ग्राम्स में लिखा आता है उसी तरीके से लिखा रहने दो और एज लेंथ को सभी को सेंटीमीटर्स में लिखो तो आपकी जो डेंसिटी आएगी वह सीजीएस सिस्टम में आएगी। यह यूनिट का खास ध्यान रखना प्रॉब्लम्स को करते समय। इस एक्सप्रेशन के द्वारा वी डिटरमाइन रेडियस ऑफ एटम्स विदाउट कैरिंग और कंडक्टिंग एनी एक्सपेरिमेंट। आप जरा सोचिए, जैसे गोल्ड की बात करूं, मैं इस एक्सप्रेशन के द्वारा गोल्ड एटम का रेडियस डिटरमाइन कर सकता हूं। किस तरह से? गोल्ड की डेंसिटी निकालना बड़ा ही आसान है। मैं 24 कैरेट गोल्ड ले लेता हूं, 100% प्योर गोल्ड ले लेता हूं। यदि मैंने 100% प्योर गोल्ड ले लिया, उसकी डेंसिटी बड़ी आसानी से डिटरमाइन की जा सकती है। मैं प्योर गोल्ड का क्रिस्टल उसको एग्जैक्टली वे कर लेता हूं, उसका वजन ग्राम्स में एग्जैक्टली डिटरमाइन कर लेता हूं। द वेट इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड क्रिस्टल, वी हैव गॉट इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, इससे बहुत एक्यूरेटली आपको गोल्ड का वजन निकल जाएगा। और फिर गोल्ड का क्रिस्टल का वॉल्यूम डिटरमाइन करा जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। मैं एक मेजरिंग फ्लास्क में वॉटर ले लेता हूं, उसमें इनिशियल वॉटर का लेवल देख लेता हूं, इनिशियल रीडिंग देख लेता हूं और उसमें उस गोल्ड के क्रिस्टल को डुबा देता हूं, उसको उसके अंदर डाल देता हूं, इंसर्ट इमर्स कर देता हूं और कितना वॉल्यूम ऊपर चढ़ गया, पानी कितना वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख गया वह नोट कर लेता हूं। जितना भी वाटर ऊपर चढ़ा, जितनी भी रीडिंग बढ़ी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। मुझे मास ऑफ गोल्ड क्रिस्टल, प्योर गोल्ड क्रिस्टल, वह मैंने एग्जैक्टली देख लिया, मैंने वॉल्यूम ऑफ प्योर गोल्ड क्रिस्टल देख लिया। इस तरह से मुझको डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड क्रिस्टल मिल गई और यह डेंसिटी फॉर प्योर गोल्ड, दिस डेंसिटी इज 19.7 ग्राम पर सीसी। प्योर गोल्ड क्रिस्टल के लिए डेंसिटी होती है 19.7 ग्राम पर सीसी। इसको एक्सपेरिमेंटली बड़े सिंपल एक्सपेरिमेंट से कोई भी डिटरमाइन कर सकता है। अब फॉर प्योर गोल्ड हम अच्छी तरह से जानते हैं, इट्स इन एफसीसी, नंबर ऑफ पार्टिकल इज 4 एंड एज लेंथ वुड बी 2√2R। वी डू नॉट नो R, हमें यही डिटरमाइन करना है। R इज द रेडियस ऑफ गोल्ड एटम। अब हम जानते हैं गोल्ड के लिए एटॉमिक वेट होता है 197 ग्राम्स पर मोल। मैं यह सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। यह सारा डेटा सीजीएस सिस्टम में ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। डेंसिटी की जगह मैंने लिखा 19.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एन की जगह मैंने लिखा 4 एटम पर यूनिट सेल, ए की जगह मैंने लिखा 197 ग्राम पर मोल और ए क्यूब की जगह मैंने लिखा 2√2R।
की जगह 6.023 into 10 to the power 23 atom per mole. जरा देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, एटम से एटम कैंसिल हो जाएगा. दिस इज वॉल्यूम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल से पर यूनिट सेल कैंसिल हो जाएगा और आपको आर क्यूब दिखने लगेगा. आर क्यूब में ऊपर ले आऊं, दिस इज 4 इंटू 197 अपॉन यहां सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला गया अपॉन 19.7 और इधर हो गया 2 रूट 2 होल क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. आर क्यूब की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में यू कैन ऑलवेज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर इन सेंटीमीटर्स. दिस वुड बी द रेडियस ऑफ गोल्ड एटम. यह गोल्ड एटम का रेडियस होगा. आप देखिए इस मेथड के द्वारा, इस एक्सप्रेशन के द्वारा आपने कितने साधारण तरीके से प्योर गोल्ड के द्वारा गोल्ड एटम का रेडियस डिटरमाइन कर दिया. मुझे यदि प्योर सिल्वर दे दिया जाए, प्योर सिल्वर का एक क्रिस्टल दे दिया जाए, एक सॉलिड क्रिस्टल किसी ऐसे साइज का जिसका मैं एग्जैक्टली मास देख सकता हूं, एग्जैक्टली वॉल्यूम मेजर कर सकता हूं, तो मैं सिल्वर एटम का रेडियस डिटरमाइन कर लूंगा. प्योर कॉपर हमारे पास में होता है, जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, यह प्योर कॉपर है. इसी मेथड से मैं कॉपर का रेडियस डिटरमाइन कर सकता हूं, एल्यूमिनियम का रेडियस डिटरमाइन कर सकता हूं. दिस इज एन एक्सप्रेशन विच इज वाइडली यूज्ड. इस पर काफी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप देखेंगे. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते समय आप इन यूनिट्स को, जिस तरह से मैंने इधर लिखा है और जिस तरह से यूनिट्स को काटा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को तो मैं सबसे आखिरी में ऑपरेट करता हूं, सबसे पहले तो यूनिट्स को देख लेता हूं. इन यूनिट्स का विशेष ध्यान रखते हुए इस एक्सप्रेशन को काफी अच्छा प्रैक्टिस